G20 और आमंत्रित देशों की तरफ से जारी संयुक्त घोषणा पत्र के साथ ही भारत की अध्यक्षता में एक ऐतिहासिक नवा P20 शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया। ये एक अनुपम अवसर था जिसे अंतर संसदीय संघ के सहयोग और लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में एक ऊंचाई तक ले जाने में देश सफल रहा। मुख्य समिट से पूर्व 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री की पहल पर शुरू किए गए लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली विषय पर प्री समिट का आयोजन हुआ। 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने P20 सम्मेलन का उद्घाटन किया। कॉन्फ्लिक्ट्स और कन्फ्रंटेशन से आज दुनिया संकटों से जूझ रही है। उद्घाटन सत्र को लोकसभा अध्यक्ष और अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष ने भी संबोधित किया। लोकतांत्रिक मूल्यों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा वैश्विक महत्व के विषयों एवं समकालीन चुनौतियों के समाधान के साझा संसदीय प्रयासों के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। We parliamentarians represent the people of the world, and so we should also work together. सम्मेलन के पहले दिन एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य की केंद्रीय थीम के तहत सतत विकास लक्ष्यों और सतत ऊर्जा संक्रमण विषयों पर 2 सत्र आयोजित किए गए। सम्मेलन की विशेषता ये रही कि पहले ही दिन संयुक्त घोषणा पत्र पर सभी की सहमति बन गई। सम्मेलन के पहले दिन 13 अक्टूबर को शाम का कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा। P20 और आमंत्रित देशों के पीठासीन अधिकारी भारत की संसद के नए भवन के भ्रमण पर आए। संसद परिसर में स्थित गांधी जी की प्रतिमा के समीप लोकसभा अध्यक्ष ने खादी का पटका देकर सभी का स्वागत किया। सभी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सम्मेलन के दूसरे दिन लैंगिक समानता, महिलाओं के नेतृत्व में विकास और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन विषय पर 2 सत्रों का आयोजन किया गया। 14 अक्टूबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन के औपचारिक रूप से समाप्त होने की घोषणा कर दी। P20 शिखर सम्मेलन की सफलता के योगदान के लिए आपका और आपके प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सम्मेलन के दौरान कुल 4 सत्र हुए जिसमें वैश्विक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। 2 दिनों के P20 सम्मेलन के बीच लोकसभा अध्यक्ष ने अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष, अफ्रीकन और यूरोपियन यूनियन सहित अन्य देशों के साथ 14 द्विपक्षीय वार्ताएं की। सम्मेलन के बीच भारत के प्रधानमंत्री के प्रति दुनिया के प्रेम का उदाहरण भी देखने को मिला। मेक्सिको सीनेट की अध्यक्ष ने PM नरेंद्र मोदी को राखी बांधी। बदले में प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें सलवार सूट के रूप में एक सुंदर उपहार दिया गया। मजबूत संकल्पों और सुखद स्मृतियों को समेटे अगले वर्ष ब्राजील में मिलने के वादे के साथ भारत की अध्यक्षता में P20 सम्मेलन सम्पन्न हो गया।